देखो दोस्तों, प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण भारत के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। हर साल हम प्लास्टिक का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। बड़े बड़े प्लास्टिक के टुकड़े, जिन्हें हम मैक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं, सड़कों पर, नदियों में, समुद्रों में, सब जगह दिखते हैं। ये ना सिर्फ हमारे पर्यावरण को खराब करते हैं, बल्कि हमारी सेहत पर भी बुरा असर डालते हैं। और बात करें ग्लोबल रैंकिंग की, तो प्लास्टिक प्रदूषण में हम सबसे आगे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरा फैलाने वाला देश है, जो वैश्विक प्लास्टिक कचरे का पांचवां हिस्सा उत्पन्न करता है। इसके बाद चाइना, इंडोनेशिया और फिलीपींस का नंबर आता है। कुछ समय पहले ही कॉस्टास ए वेलिस ने भारत के प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत का प्लास्टिक प्रदूषण सिर्फ देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अगर इसे जल्दी नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ियां मुश्किल में पड़ जाएंगी। कई अखबारों में भी इस मुद्दे पर खूब लिखा जा रहा है। सब यही कह रहे हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना ही होगा। तो चलिए हम भी कुछ करते हैं। सबसे जरूरी है रिसाइकलिंग। प्लास्टिक कम इस्तेमाल करें, और करें भी तो उसे दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ये छोटे छोटे कदम हम सभी मिलकर उठाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को साफ सुथरा और सुरक्षित वातावरण दे सकें। धन्यवाद।